हेलो एवरीबॉडी, बच्चों कैसे हो? सभी लाइव आ जाइए। एक बार आप भी लाइव आ जाओ। टीम बताओ क्या स्टेटस है। सभी बच्चे लाइव आ गए हैं, मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है, आवाज़ आ रही है, बता दीजिए प्लीज़। अभी एजुकेशन मिस्टर साहब लाइव आने वाले हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइव आने से पहले, क्योंकि जो लोग सब्सक्राइबर नहीं होंगे उनको ये लाइव नहीं दिखेगा एक्चुअल में, क्योंकि मेरे अकाउंट से है। सब्सक्राइबर करने के बाद लिखिए SKDH। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ। ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का अकाउंट पर हम आ गए हैं, अभी तक वो लाइव नहीं आए हैं। हेलो बेटा, अरमान हक, निकिता, माला मिश्रा, हर्ष जलान, शिव कुमार, साउंड चेक करो। ठीक है, आप चेक करिए लाइव आए हैं क्या। सूरज कुमार, अविक मित्तल, सभी दोस्त, खुशी शर्मा, सोहम दुबे, वी आर वेटिंग फॉर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी कि वो लाइव आएंगे। अभी तक लाइव वो नहीं आए हैं, 1 बजे का टाइम दिया गया था, हम वेट कर रहे हैं उनका। तो जैसे ही वो लाइव आएंगे आप स्क्रीन पे दिखेगा, हम लगातार आपको साथ रहेंगे, आप भी हमारे साथ रहिएगा। आ गए? नहीं, 25 अप्रैल है ना आज, तो 26 है, अभी नहीं आए। ये पुरानी वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, आज 27 तारीख है। जैसे कि आपको पता है मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी और मैं आपको अपना अकाउंट भी दिखा देता हूँ फेसबुक का। आप लोग मुझे फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पर मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरा अपना अकाउंट, ये देखिए। ये तो मेरा पर्सनल अकाउंट है जो आपको दिख रहा है इस टाइम, अनुराग त्यागी फिजिक्स गुरु के नाम से। इसको आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट तो आप नहीं भेज पाएंगे अभी, क्योंकि मेरे फ्रेंड की लिमिट पूरी हो गई है, बट आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस पर। और एक हमारा पेज है ये वाला, इसको आप लाइक कर दीजिए। ये हमारा पेज है। इस पेज को आप लाइक कर दीजिए। अभी लाइव आने वाले हैं दोस्तों, आप रहिए हमारे साथ। हाउ मच आर यू? जैसे ही एजुकेशन मिनिस्टर साहब लाइव आएंगे हम आपको कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा पेज है, इसको आप लाइक कर दें, facebook.com/anuragtyagiclasses। और अगर आप मेरे पर्सनल अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी आप जुड़ सकते हैं। आ गए? तो एजुकेशन मिस्टर साहब लाइव आ गए हैं दोस्तों, हम जोड़ रहे हैं आपको उनके साथ। कहाँ है लाइव? ये देखिए, अब मैं आपको लाइव जोड़ रहा हूँ उनके साथ। आवाज़ आ रही है क्या एजुकेशन मिस्टर साहब की? हटाना पड़ेगा। अच्छा, वो उसको रिकॉर्ड करेगा हमारे माइक की आवाज़ को। हम सुनते हैं क्या कह रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर साहब हमारे। नाइन सेकेंड हो गए हैं। जितने भी बच्चे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं एजुकेशन मिस्टर साहब से, और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वालिटी अपनी बढ़ाओ। वाईफाई सही है? नहीं, चला नहीं पड़ा। आप लोग जो भी कहना चाहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर से कह दीजिए।
आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी लाइव। जैसे कि आप देख सकते हैं तो स्वाभाविक ही है कि उनके सामने भी उसकी आवाज कम। और मुझे खुशी है कि सब छात्रों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने घर की लीडरशिप ली और बहुत अनुशासित रहकर के अपनी भी सुरक्षा की और अपने परिवार के लोगों को भी सुरक्षित रखा है। हमने शिक्षा विभाग में जब ये परिस्थितियाँ आई तो जो भी आप कहना चाहते हैं निशंक जी से वो आप यहाँ पर कमेंट कर दीजिए। ऐसा लगा कि अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पोखरियाल सर से कि बच्चों को पास किया जाए, लीनियंट कॉपी चेक करी जाए, ग्रेस मार्क्स दिए जाएं और रिजल्ट जल्दी जल्दी पास करके बच्चों को अगली क्लास में भेजा जाए। जो भी आप कहना चाहते हैं यहाँ पर कमेंट करिए। आपका डायरेक्ट कमेंट निशंक जी के पास जाएगा यहाँ पर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। कुछ राज्यों ने एक बोर्ड की दूसरी की नहीं की, उसने दोनों की नहीं की और कुल मिलाकर के अभी यदि देखा जाए तो सीबीएसई बोर्ड की 83 परीक्षाएं अभी रही हुई है, लेकिन इनमें से केवल 29। सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो को लाइक कर दीजिए। कर सकेंगे। मैं ये समझता हूँ कि लाइक दिस वीडियो इन परीक्षाओं, ताकि जितने आप ज़्यादा लाइक करेंगे वीडियो को उतना ही इसकी रीच पहुँचेगी एजुकेशन मिनिस्टर साहब तक। और जो भी आप कहना चाहते हैं वो आप कहिए, यहाँ पर कमेंट करिए। मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ आदरणीय रमेश पोखरियाल जी से कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पास किया जाए। अब आपको क्वालिटी अच्छी दिखेगी दोस्तों, हमने इसको रोटेट कर दिया है। देश और दुनिया के छात्र चाहे स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक वो सभी उसका उपयोग करते हैं। और आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी निशंक हमारे साथ लाइव। चैनल है 24 घंटे चलते हैं और ये स्वयं प्रभा के जो 3200 चैनल है ये डिश टीवी पर भी आएंगे, डीटीएच पर उपलब्ध होंगे और टाटा स्काई पर भी वो उपलब्ध होगा। तो अकेला दीक्षा जो दीक्षा स्कूली शिक्षा का जिसमें 80,000 से भी अधिक पाठ्यक्रम हमारे हैं, कुल मिलाकर के अभी जिसमें 80,000 से भी अधिक पाठ्यक्रम हमारे हैं वस्तु सामग्री है, उस दीक्षा पर अकेले अभी तक जब से लॉकडाउन हुआ है तब से 12 करोड़ बार उसका उपयोग छात्र छात्राओं ने किया है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भी आप कहना चाहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर साहब से वो आप लिख दें यहाँ पर। इसी समय में किया है तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है और ऐसी स्थिति में हम निश्चित रूप में इस बात को कह सकते हैं कि हमारा जो भी आप कहना चाहते हैं यहाँ पर लिख दीजिए, कमेंट कर दीजिए। टीम शीशा बंद कर दे किया था जिसमें हम सभी देश के शिक्षकों से अध्यापकों से संस्थाओं से अनुरोध किया था कि वो बच्चों के लिए जो भी ऐसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम के वीडियो जल्दी जल्दी रिजल्ट बच्चों का दिया जाए और बच्चों को पास कर दिया जाए। और मुझे खुशी है कि उसमें भी 9,000 से अधिक ऐसी पाठ्य सामग्री बहुत ही आकर्षक सामग्री हमको
उपलब्ध हुई है। और उसके बाद अभी यही मौका है दोस्तों, जो भी आप कहना चाहते हैं मतदान टू ये आपके पास चांस है, अनाउंस किया जिसमें आप यहाँ पर कमेंट करके सभी बताइए। सभी आप लोग लोगों सुपर को चैट करके सपोर्ट भी कर विभिन्न सकते हैं हमें। अनुरोध किया है कि ऐसे वक्त पर मैं डॉक्टर निशंक जी से, दुनिया की डॉक्टर सत्रह एजुकेशन मिनिस्टर जो सदस्य हमारे हैं डॉक्टर रमेश हाथ पोखरियाल जोड़ निशंक रहे जी हैं से प्रार्थना करूंगा देश में कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पास किया जाए, जाएगा, प्रमोशन चारों देकर छात्राओं के ग्रेस भविष्य मार्क्स का दिया जाए उज्जवल सभी है को, और चाहे वो ऐसे किसी भी सब्जेक्ट का वक्त स्टूडेंट हो, सभी सबको गुणा दिया शिक्षा जाए। वेद सभी आप लोग सदभाई अपना जो भी कहना सभी चाहते हैं वो एजुकेशन मित्रगण मिनिस्टर साहब को कह दीजिए यहाँ पर, सभी विशेषज्ञगण अपना कुछ न कुछ उस ये आपके वक्त पास गोल्डन चांस है जो आप कह पारदर्शक सकते हो। तरीके से ऑनलाइन के लिए तैयार करके हमको उपलब्ध कराएं ताकि हम अपने इन पोर्टल और स्वयं स्वयं प्रभा की पाठशाला और इससे दीक्षा पहले कि आप मंडल के कमेंट माध्यम करें, से मैं बच्चों आपसे तक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ले जा सकें। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को मुझे सब्सक्राइब आशा कर दें। है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे आश्वस्त किया है जिन लोगों ने वीडियो को अपने लाइक नहीं किया है, वीडियो को सहभागिता लाइक करके लिख दीजिए अध्ययनों के LKDH और चैनल को अपना सब्सक्राइब जो करके लिख दीजिए एकेडमिक SKDH। कैलेंडर है उसको भी जारी किया है और उसमें उस कैलेंडर को NCERT के द्वारा जारी किया गया है कि किस तरीके से किस समय पर क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। और आप जैसे आपको पता है कि हमारे उच्च शिक्षा में हमारे विश्वविद्यालय हैं ध्यान से सुनिए क्या कह बहुत रहे हैं अच्छा मिनिस्टर शोध साहब, कर रहे हैं और हमारे IIT हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टू UIT हैं, लिसन। NIT है, ICER है, IIM है, तमाम हमारी बहुत ही वीडियो को लाइक जरूर करें महत्वपूर्ण संस्थाएं ताकि वीडियो की रीच बढ़ शोध और जाए। अनुसंधान में जुटी अगर हैं। आप वीडियो को इसलिए लाइक मुझे नहीं अच्छा करेंगे लगा कि तो हमने मिनिस्टर साहब के युक्ति पास ये नहीं जाएगी पोर्टल फिर। लॉन्च किया है। ऐसा युक्ति वो पोर्टल होगा जिसमें सभी संस्थाओं के द्वारा जो स्पीच शोध और अनुसंधान हो रहा है वो सब एक जगह संग्रहित हो एक जगह है। मुझे चैनल इसमें को सब्सक्राइब बहुत करके लिख खुशी दें एक है बार कि हमारे SKDH तमाम और वीडियो को लाइक करके लिख दीजिए संस्थानों ने LKDH। बहुत अच्छे शोध और अनुसंधान किए हैं जिसका लाभ अब अपने देश को मिलेगा। जो चीज हमारे देश के अंदर अभी तक पैदा नहीं होती थी, उत्पादित नहीं होती थी, उसका सृजन नहीं हो पाया था, वो चीजें भी अब उत्पादित होंगी। और जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि टीम मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्ट और स्टैंड अप, हमारे देश में ही हम अपने कौशल का विकास करके और यहीं पर अपनी चीजों को उत्पादित करेंगे और नए भारत का यही मौका निर्माण है करेंगे। उस बच्चों, दिशा में जो कहना निश्चित है रूप कह में दीजिए। हमारे जो छात्र और प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं हैशटैग बहुत तेजी एजुकेशन से आगे मिनिस्टर काम गोज कर रहे हैं। लाइव आपको ये भी पता है कि अभी जरूर कुछ लगाएं। दिन पहले हमने भारत पढ़े ऑनलाइन हैशटैग मीडिया अनुराग कार्यक्रम त्यागी में क्लासेस आप लगाएं। सब लोगों से निश्चित रूप में जुड़े चैनल होंगे को और मुझे सब्सक्राइब करके भरोसा लिखिए है कि SKDH। आपने भी उसमें सहभागिता दी होगी। उसका भी यही वीडियो को लाइक था करके कि लिखिए आप क्या LKDH। सोचते हैं, कुछ कॉपी सुझाव चेकिंग दीजिए स्टार्ट आप नहीं हुई कि अभी। हम ऑनलाइन अपनी चीजों को किस तरह तक और कहाँ तक बढ़ा सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे सुझाव आए हैं, हजारों सुझाव आए हैं, बहुत ही प्रेरक सुझाव आए हैं। हम उन पर भी अपेक्षाकृत तो काम कर टीम रहे हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त पर जबकि पूरी दुनिया एक भयंकर त्रासदी से होकर के गुजर रही है और हमारे सामने भी कम चुनौती नहीं है, लगातार चुनौतियां हैं। और हमारा छात्र छात्राएं जो पढ़ने में बहुत होशियार हैं और मुझे उन पर बहुत गर्व महसूस होता है जब मैं स्कूली छात्र से लेकर के और उच्च शिक्षा तक वी रिक्वेस्ट देखता टू हूँ एजुकेशन कि मिनिस्टर हमारे साहब पास कि ज़्यादा से रिजल्ट ज़्यादा की बच्चों को कमी नहीं पास है, किया जाए हमारी प्रतिभा की कमी नहीं है। और तो ऐसे समय में प्रमोट किया जाए बच्चों पोर्टल को, है लीनियंट चेकिंग करी और जाए, क्योंकि इस बार स्वाभाविक है काफ़ी ख़राब रहा ऐसे सब वक्त कुछ। पर आप जुड़े हैं। मैं रिक्वेस्ट ये करता हूँ कोरोना कि की जो ज़्यादा से ज़्यादा महामारी बच्चों को है पास करें। ये बहुत सारी चीजों को रेस्पेक्टेड हमको एजुकेशन सीखने के मिनिस्टर लिए मजबूर साहब, करती है और बच्चे के साथ संवाद को भी मेरी आपसे बढ़ाती है। रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से मुझे ज़्यादा बच्चों लगता को है पास कि आप करें, लोगों ने तब ये भी कोशिश लीनियंट की थी चेकिंग कि जो करें। गरीब बच्चे हैं वो मिड डे मील उनके घरों तक पहुंचे। सभी राज्य सरकारों से हमने उस समय भी अनुरोध किया था कि कैसे भी करके हमारे जो गरीब बच्चे हैं वो वहां तक जो भारत सरकार की ये मिड डे मील योजना है उसको मध्यान्ह भोजन भोजन है उसको हर हालत में वो पहुंचे। मैं समझता हूँ कि ये इस समय जिस तरीके से हम लोगों ने ये काम करना शुरू किया है जो भी और आपको कहना ऑनलाइन है, पर एजुकेशन मिनिस्टर जिस साहब तरीके लाइव हैं, आप से कह दीजिए, यही हमारा आपके पास गोल्डन छात्र चांस जुड़ है। रहा है और आपका भी सहयोग मिल रहा है, हम कोशिश वीडियो को लाइक करेंगे जरूर आगे करें इसको और और कैसे चैनल को बढ़ाया सब्सक्राइब जा कर लें। सकता है, हम एक मिशन मोड में इसको लेकर के सब्सक्राइब करके चलना लिखें चाहते हैं। LKDH तो मैं और एक बार फिर SKDH। LKDH हम सभी 4 अभिभावक लाइक कर मिलकर दिया है, मैं अपना SKDH आभार 4 प्रकट कर रहा हूँ क्योंकि इस चुनौती से सब्सक्राइब आगे कर दिया जूझ है। रहे हैं और हमारे देश का जो भविष्य है, जो हमारे
छात्र छात्राएं हैं वो आपके संरक्षण में है टोटली इस समय, और ज्यादा ज्यादा संख्या में लगातार संवाद हो, सब्सक्राइब करें, ऐसा महसूस ना करें कि वो किसी एक कमरे में कैद हो रहे हैं, बल्कि वो हंसी खुशी और मस्ती के साथ अपने पाठ्यक्रम को भी देखें। और अभी कुछ दिन पहले तीन दिन पहले हमने एक और अभियान लिया था कि माई बुक माई फ्रेंड, क्योंकि दुनिया में सबसे ताकत वाले जी दोस्त है जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ाता है, कभी आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम के बारे में भी बोलेंगे, वो है आपकी किताब, वो है आपका, ये चैट नहीं हट पाएगी लाइव स्ट्रीम से क्योंकि ये चैट फेसबुक की चैट है। वो कुछ न कुछ ऐसी किताब को जरूर पढ़े ताकि हमेशा उसके जीवन में उसके वो काम आ सके। तो एक बार में फिर मैं कोशिश करता हूँ चैट हटाने की, सबका पूरे देश के अभिभावकों का मैं अभिनंदन करता हूँ। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट करिए, इसके सभी शिक्षा मंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं ताकि आपकी बात पहुंचे वैसे तो मैं लगातार मिनिस्टर साहब तक, शिक्षा विभाग में कभी देश के सभी प्रदेशों के शिक्षा सचिवों से बात करता हूँ, कभी निदेशकों से बात करता हूँ, और कभी शिक्षा मंत्री गण से बात करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब करके लिखिए SKDH। शिक्षा मंत्री एक साथ हम जुड़ेंगे और परामर्श करेंगे आगे, और क्या उनके सुझाव हो सकते हैं अपने अपने राज्यों में। जैसे कि आपको पता है कि शिक्षा राज्यों का विषय होता है, समवर्ती सूची में है शिक्षा, और लेकिन राज्य और केंद्र सरकार मिल करके हम अपने बच्चे को कैसे करके बेहतर से बेहतर उसको बढ़ा सकते हैं, सुविधाएं दे सकते हैं उसको, पाठ्यक्रम ऐसे वक्त पर। जितना आप ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ही इसकी रीच ज्यादा जाएगी। मैं एक बार फिर आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, और आपके बहुत सारे सुझाव भी मुझे मिले हैं, और बहुत सारे कुछ आपकी जिज्ञासाएं थी वो भी मुझे मिली है, तो कुछ जो आपकी जिज्ञासाएं हैं कुछ हम यहाँ पर आप कहिए तो मैं उनका कोशिश करूंगा कि मैं उत्तर दे सकूं, और यदि आपको उसके बाद भी ऐसा लगेगा कि नहीं और भी कुछ जानकारी प्राप्त करनी है तो जरूर आप अपने सुझावों को मुझ तक देंगे तो मुझे खुशी होगी और हम उन सुझावों पर काम करेंगे। अभी तो लखनऊ उत्तर प्रदेश से अशोक कुमार सिंह जी पूछ रहे हैं कि मैं यह जानना चाहता हूं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं की कुछ विषयों की परीक्षाएं अभी शेष हैं, इन परीक्षाओं को कब तक करवाया जाएगा। अशोक जी मैं कहना चाहता हूं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अभी 10वीं की और 12वीं की बहुत सारी परीक्षाएं अभी रही हुई है, और वो जो कुल 83 विषयों का है जिसमें से एजुकेशन मिनिस्टर साहब कि वो बच्चों को पास करें, उनकी परीक्षा ग्रेस मार्क्स दें सभी को और प्रमोट किया जाए बच्चों को। खुलेगा वैसे ही हम निश्चित रूप में इन काम करेंगे। मैं छात्रों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और अभिभावकों से अनुरोध करना चाहता हूं आप सबसे कि बच्चे को मस्ती के साथ वो और अच्छा अध्ययन करता रहे, और पूरा 24 घंटे आप उसको पढ़ाई के लिए बहुत दबाव मत दीजिए, थोड़ा सा उसको और लेकिन वो इस बात के लिए तैयार रहे कि हाँ जैसे ही सामान्य स्थिति होगी उसको उन 29 मुख्य विषयों की परीक्षा देनी पड़ेगी, और जो शेष विषय वैकल्पिक विषय हैं उन वैकल्पिक विषयों को उसके पीछे के जो उसके नंबर्स होंगे उन नंबरों के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन करेंगे। CBSE का जो उसकी वेबसाइट है उस पर भी बहुत सारे हमने सूचनाएं, और आपको मालूम है कि जो कुछ जो परीक्षाओं तो हो गई थी लेकिन उसकी चेक नहीं हो पाई, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी बीच वो कॉपियों का निरीक्षण भी शुरू हो जाए। तो ये बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि उस बारे में अपनी तैयारी रखें। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि इसकी रीच पहुंचे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर तक। अजय जी आप कह रहे हैं कि मैं एक छात्र का अभिभावक, वीडियो को लाइक करके खें LKDH, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करके लिखिए SKDH। मुझे लगता है कि 10वीं की परीक्षा सभी बच्चों का पास होना जरूरी है, प्रमोशन मिलना चाहिए सभी को,
रिजल्ट बहुत जल्दी सामने आएगा। 11वीं के लिए ऑनलाइन हम लोगों ने लीनियंट चेकिंग होनी चाहिए, पाठ्यक्रम दिया है, जैसे कि मैंने कहा कि स्वयं है, स्वयं पर भी एनसीईआरटी ने 28 विषयों में 12 विषयों में 28। अगर आप चाहते हो कि लीनियंट चेकिंग हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लिख दीजिए SKDH। मैं ट्वीट कर चुका हूं ऑलरेडी। मुझे लगता है कि यदि आप इनको टटोलेंगे, स्वयं और स्वयं प्रभा और दीक्षा ई पाठशाला, तो आपको निश्चित रूप में वो सामग्री मिल जाएगी। और मेरा सुझाव रहेगा कि ऑनलाइन ये पढ़ना शुरू कर देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं और छात्रों को भी कहना चाहता हूँ कि जो दीक्षा है हमारा, वो दीक्षा पर जहाँ 80,000 जो बच्चे चाहते हैं कि वो पास हों, रीनियन चेकिंग हो, प्रमोशन मिले, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वो अनुभव के आधार पर सामग्री है, गतिविधियां हैं, गेम्स इत्यादि तक भी उसमें आपको उपलब्ध हो जाएगा। और जो CBSE ने और NCERT ने ऑलरेडी इसमें अपने पाठ्यक्रमों को जोड़ा है, उसमें अपलोड किया है। और ई पाठशाला में 1886 तो 2000 के आसपास है, और ई बुक भी 996 उसमें है। मुझे लगता है कि ई पाठशाला का भी आप पूरा उपयोग कर सकते हैं। जी, सब्सक्राइब करके लिखिए SKDH, वीडियो को लाइक करके लिखिए LKDH, ताकि इसकी रीच पहुंचे। छात्र हूं और 2019 में कक्षा 12वीं कर चुका हूं, मैं इंजीनियरिंग की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं अपने करियर। आई रिक्वेस्ट यू डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी कि सभी बच्चों को पास कर दें, लीनियन चेकिंग करें और प्रमोट करके पास कर दें, ताकि अगला सेशन स्टार्ट हो पाए। ग्रेस मार्क्स दे दें सभी को। बच्चे बहुत परेशान हैं हमारे, बहुत परेशान बच्चे हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस बात में तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लिखें SKDH, वीडियो को लाइक करके लिखिए LKDH। सभी बच्चों को पास कर दिया जाए, यही मेरी इच्छा है। ग्रेस मार्क्स देकर करके लीनियंट चेकिंग के थ्रू। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके लिखिए SKDH और वीडियो को लाइक करके लिखिए LKDH। यूनिवर्सिटी एग्जाम भी जल्दी होंगे। कोरोना संकट में हमें यह बता दिया है कि आने वाले समय में ऑनलाइन शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा से बचने का सबसे सटीक उपाय है, तो क्या इस प्रणाली और सुदृढ़ और सुगम बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? आपको तो मालूम है कि पूरी दुनिया कैसे संकट से गुजर रही है। और जितना आप ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना इसकी रीच पहुंचेगी एजुकेशन मिनिस्टर साहब तक, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी बात का प्रेशर बढ़ेगा उनके ऊपर, ताकि सभी बच्चों को पास किया जाए और ग्रेस मिल जाए सभी बच्चों को। लीनियंट चेकिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, SKDH लिख दीजिए। सभी स्टूडेंट से प्रार्थना है कि डिप्रेशन में न जाएं, हिम्मत रखें। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, सभी को पास करवाएंगे, प्रमोशन दिलवाएंगे, लीनियंट चेकिंग करवाएंगे। आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके लिखिए SKDH। जान है तो जहान है,
ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप सुरक्षित रहिए, आपका परिवार, आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा। तो ये चीजें, ये जो संकट है, इसका तो हम पार कर लेंगे, लेकिन जब जीवन सुरक्षित रहेगा तो ही पार कर सकते हैं। और इसलिए किसी चीज को आप उस दुविधा को, उस संकट को आमंत्रित बिल्कुल मत करिए। आपकी सुरक्षा, यदि अभी तक आप सुरक्षित हैं, इसका मतलब यदि कल भविष्य में किसी के साथ कुछ होता है तो वो उसके अपने हाथ की बात होगी कि कहीं ना कहीं वो लापरवाही। आई रिक्वेस्ट टू ऑनरेरी एजुकेशन मिनिस्टर साहब टू पास ऑल द स्टूडेंट्स टू गिव प्रमोशनल मार्क्स एंड टू डू लीनियंट चेकिंग सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स मे बी पास। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लिखिए SKDH। उसको आरोग्य सेतु को सारे के सारे लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, उसे आप अपना समय समय पर वो जो निर्देश। जैसा कि हम जानते हैं बच्चे बहुत परेशान में हैं, डिप्रेशन में हैं, ये बहुत जरूरी भी है, मेरा विनम्र आग्रह आपसे, ये बहुत जरूरी है। तो सभी को प्रमोशनल मार्क्स मिलने चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा है, उसमें सारे निर्देश समय समय पर मिलते रहते हैं। और उसके लिए आपके लिए उपयोग ये है कि दूराई पर भी आपको ये पता चल जाता है कि कोई कोरोना से संक्रमित व्यक्ति तो आपके आसपास नहीं है, तो आपके लिए लाभदायक है। तो इसलिए मंत्रालय ने भी लगातार इस दिशा में कोशिश की। अगर आप चाहते हैं लीनियंट चेकिंग हो और सब बच्चे पास हो जाएं तो आप मुझे सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लिखिए SKDH और वीडियो को लाइक करके लिखिए LKDH। चार पांच घंटे तक लगातार ऑनलाइन चर्चा की, ऐसे मैंने IITs के डायरेक्टर्स के साथ की, हम लोग लगातार संवाद किए हुए हैं। और आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप इस संवाद को लगातार करेंगे और इस सुरक्षा की दृष्टि से अपने को दूराइयां बना करके रखेंगे तो ज्यादा अच्छा जी। दीपू अरविंद जी केरल से दीपू अरविंद जी बोल रहे हैं कि कोरोना संकट में चल रहे लॉकडाउन उनके कारण लगभग 2 महीने के शैक्षणिक जो क्षति भी है उसको आप मंत्रालय विद्यालयों को कैसी कटौती करने पर विचार कर रहे हैं। आपको तो मालूम है कि जो ये क्षति हो रही है समय की, उसको हम पाटने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए CBSE के अधिकारियों को हमने पहले ही निर्देश दिया था कि वो नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी करें। मुझे भरोसा है कि आप चिंता मत करिए दीपू जी, आपको कोई समय आपका खराब नहीं होगा। हम समय को कैसे करके संयोजित कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं, हमारी कोशिश है। और आप बिल्कुल चिंता मत करें, CBSE के समय समय पर आपको निर्देश मिल रहे होंगे। CBSE बोर्ड की साइट में जा करके आप निश्चित रूप में देख सकते हैं जो समय समय पर उनका निर्देश मिल रहा है, उसको आप जरूर और जरूर करके देखिए जी। उत्तराखंड से आभा जी, ये आप क्या कहना चाहते हैं आभा जी? आज महोदय लॉकडाउन के कारण केंद्रीय विद्यालयों द्वारा की गई ऑनलाइन अध्ययन की व्यवस्था सराहनीय है, किंतु उन विद्यार्थियों जिनके परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके हैं को NCERT की पुस्तकें कब तक उपलब्ध हो पाएंगी? आबा जी आपने बहुत अच्छा, हे ईश्वर सभी को पास करवा देना बच्चों को। आपको जैसे कि मालूम है कि बहुत परेशान है बच्चे हमारे। सरकार ने जो किताबों की दुकानें हैं उनको भी एक समयबद्ध तरीके से खोलने का निर्देश दिया है। और ये CBSE की जितनी भी किताबें हैं और NCERT ने हमको आश्वस्त किया है, मैंने जब अभी समीक्षा की थी तो NCERT के निदेशक और उनके अधिकारियों ने मुझे अवगत कराया कि हमने लगभग सभी राज्यों में अपनी पुस्तकों को भेज दिया है। तो यदि सभी राज्यों, अगर आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक करके लिखिए LKDH और चैनल को सब्सक्राइब करके लिखिए SKDH। ऑनलाइन पर भी वो सब किताबें CBSE बोर्ड ने जो है और NCERT ने अब
अपने सब किताबें दीक्षा पोर्टल पर डाल दी है, आप वहां से भी ले सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि किताबें भी आपको मिलनी अब शुरू हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर से श्रीमती कामिनी जी पूछ रही हैं कि 1 से 3 के बच्चों की आय पे बहुत छोटे होते हैं, बिना विभागों के सहयोग के टेक्नोलॉजी और उपकरणों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि छोटे बच्चों के लिए कोई रुचिपूर्ण आकर्षक और आसान मंच तैयार किया जाए। हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है और इसीलिए हम लोगों ने बच्चों के लिए बिल्कुल अलग पाठ्यक्रम खेल खेल के माध्यम से वो कैसे खेल सकते हैं, सीख सकते हैं और वो तनाव, जो भी आप अपील करना चाहते हैं वो आप लिख दीजिए यहाँ पर। वीडियो को लाइक जरूर करिए। स्कूल में अलग से व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं, लेकिन जो बच्चे हैं बच्चों का अपने तरीके से वो मस्ती के साथ कैसे उनको ये भार ना लगे कि वो कभी बच्चे स्कूल में आ रहे हैं तो वो छोटे, हम लोगों ने जो नई शिक्षा नीति का जो मसौदा है अभी उसके तहत भी ये है कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों में सीखने की बहुत क्षमता होती है। वो उसको किस लाइन पर उस समय हम ले जा सकते हैं बातों के, खेलों के माध्यम से, तमाम गतिविधियों के माध्यम से उसका जो मस्तिष्क है उसको और कैसे करके और व्यवस्थित और उसको बढ़ा सकते हैं, उसको और विकसित कर सकते हैं। तो ये हमारी कोशिश है और इसलिए इसके अलग से भी बाकायदा उसी ढंग का एक बच्चों वाला जो पाठ्यक्रम है उसको भी गेम्स पाठ्यक्रम उसको तैयार करने की कोशिश होती है। जी मंडाली जी, जयपुर राजस्थान से आप कह रही हैं कि इस महामारी ने लोगों का को स्वास्थ्य के प्रति सजग किया है और क्या स्कूलों में सफाई व स्वच्छता संबंधी कोई निर्देश जारी किए हैं? नहीं, आपको तो मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान जारी किया था और वो जो अभियान जब उन्होंने आह्वान किया था तो देश का बच्चा बच्चा भी उस अभियान से जुड़ा और आप सबको मालूम है कि बच्चे के मन के अंदर कितनी तेजी से, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे महिला हो पुरुष हो, किसी भी क्षेत्र का क्यों नहीं हो, किसी भी व्यवसाय में क्यों ना हो आदमी, उसके मन मस्तिष्क में भी यह है कि हाँ भारत तो स्वच्छ चाहिए, अपना घर तो स्वच्छ चाहिए, अपना अगल बगल तो स्वच्छ चाहिए, अपना दफ्तर तो स्वच्छ चाहिए, अपनी टेबल तो स्वच्छ चाहिए और स्वभाव की जब स्वच्छ। दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लाइक करके लिखिए LKDH और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करके लिखिए SKDH। मैं हूं आपका दोस्त अनुराग त्यागी। कि जब बढ़ोतरी होती है आदमी करता है तो निश्चित रूप में उसमें नए विचार आते हैं और लेकिन हम लगातार मिनिस्टर साहब से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पास करें प्रमोशन देकर। अगर आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लिखिए SKDH। आपके सपोर्ट से हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उसके मन के अंदर कैसे संस्कार आए स्वच्छता का, यह हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण। हम लोग इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और गाइडलाइन CDC के माध्यम से हम लगातार देते हैं और आपको तो मालूम है कि अभी हम लोगों ने जल संरक्षण अभियान किया था और जल संरक्षण अभियान छात्रों ने एक दिन में 20 करोड़ लीटर पानी तक बचाने का जो है अभियान दिया था। एक छात्र दिन में 1 लीटर पानी भी बचाएगा तो इस देश में 33 करोड़ छात्र 33 करोड़ लीटर पानी बच सकता है। तो वृक्षारोपण का भी अभियान लिया कि एक छात्र एक वृक्ष लगाएगा और वो भी इतना बड़ा अभियान लिया, पूरी दुनिया ने उसको बहुत महत्वपूर्ण माना और हमारे देश के प्रधानमंत्री, अरे CBSE वालों, अरे CBSE वालों, बच्चों को पास कर डालो, चेकिंग करो सबके लिए। उन्होंने मौसम परिवर्तन और पर्यावरण के बारे में दुनिया के मंच पर इस बात को रखा था। सारी दुनिया के लोग महसूस करते हैं कि हाँ जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं उसकी
जरूरत है पूरी दुनिया को, चाहे वो योग है, चाहे वैकल्पिक ऊर्जा का विषय है, और चाहे वो स्वच्छता का है, चाहे वो पर्यावरण का है, बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया की लीडरशिप अपने हाथ में ली है और पूरा देश इस बात को महसूस करता है। और इसलिए एक वृक्ष एक पेड़ में करोड़ों पेड़ लगाए हैं छात्रों ने, अपने हर जन्मदिन पर लोगों ने ये संकल्प लिए हैं कि वो एक पेड़ जरूर लगाएंगे और हमेशा उसकी उसकी वो सुरक्षा करेंगे और उसको माई ट्री वो जो उनका अपना पेड़ है उसके साथ अपनी सेल्फी खींच करके हमको भेजेंगे ताकि एक पर है और जो दूसरे वर्ष में उसने जब जन्मदिन तो फिर वो जो लगाएगा पेड़। आई रिक्वेस्ट यू डॉक्टर निशंक जी की सभी बच्चों को लेनियन चेकिंग करके पास किया जाए। दोस्तों अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके लिखिए LKDH एंड SKDH। बच्चे स्कूल आपके जुलाई अगस्त में स्टार्ट होंगे। जो भी आपको पूछना हो यहाँ पर आप कमेंट करके जो भी आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर साहब से आप रिक्वेस्ट करिए। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों और लाइक करके लिखें LKDH और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करके लिखें SKDH।
सफलता होगा और जो वर्तमान में जो संकट चल रहा है इसका हम मुकाबला करेंगे। लेकिन हाँ, हमको लगातार लगातार एक दूसरे को इन बातों को बातचीत करते भी रहना चाहिए, एक दूसरे को सुझाव भी देने चाहिए। आई रिक्वेस्ट टू एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी कि दूराइयां बनाने का मंत्र सभी बच्चों को पास किया जाए, इस अवसर पर आप अपने को फिट भी रखिए और लीनियंट थिंकिंग की जाए। अभियान चलाया था योग, पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान के पीछे खड़ी है, तो इसका अवसर लाभ आप उठा सकते हैं। लेकिन ये ज्यादा दिनों तक कोरोना का संकट नहीं रहेगा, लेकिन और जो भी आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पर कमेंट करिए ताकि आपकी बात सीबीएसई तक चले। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करिए और लिखिए LKDH, चैनल को सब्सक्राइब करके लिखिए SKDH। मैं एक सूचना और आपको दे रहा हूँ कि हमारा मुक्त शैक्षणिक संसाधनों का जो राष्ट्रीय भंडार है, उस राष्ट्रीय भंडार में जो NROR है उसमें 14,527 फाइलें हैं, जिसमें 401 संग्रह हैं, 2,780 दस्तावेज हैं, 1,345 संवादात्मक सामग्री है जो संवाद हो सकते हैं, और जो ऑडियो है 1,664 ऑडियो की फाइलें हैं, और 2,586 में चित्र भी हैं पाठ्य सामग्री से संबंधित, जबकि 6,000 से भी अधिक उसमें वीडियो हैं। तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन पर आपको अथाह सामग्री है, और अभी लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि आकर्षक से आकर्षक सामग्री बच्चों को उपलब्ध हो सके। मेरे अभिभावकगण, मैं समझता हूँ कि ये चुनौती आपके सामने भी कम नहीं है, बच्चा आपके पास है, और जो अध्यापकगण हैं वो भी कम मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो भी चिंतित हैं। संस्थानों के जो हमारे चाहे डायरेक्टर हैं, चाहे कुलपतिगण हैं, चाहे प्रधानाध्यापक हैं, चाहे प्रिंसिपल हैं, सभी लोग एकजुट होकर के बच्चे की चिंता कर रहे हैं, सभी अध्यापकगण चिंता कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं समीक्षा करता हूँ तो अध्यापक पहले की अपेक्षा और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कोई टेलीफोन पर कर रहा है। जब मैं राज्यों की समीक्षा करने लगता हूँ तो हर राज्य को कोई फेसबुक से कर रहा है, कोई अन्य अन्य तमाम माध्यमों से बच्चों तक जा रहे हैं अध्यापकगण। मुझे बहुत खुशी है कि इस समय अध्यापकगण ने और संस्थाओं ने और पूरे शैक्षणिक जगत ने इस मोर्चे को संभाला हुआ। मुझे बहुत खुशी होती है, ये हिंदुस्तान का इतिहास बदल रहा है। प्रधानमंत्री ने नए भारत के जिस निर्माण की बात की है, यदि ये जो बड़ी चुनौती हमारे सामने है, इस बड़ी चुनौती का हम मुकाबला करेंगे तो यही चुनौती निश्चित रूप में हमारे लिए अवसरों में तब्दील होकर के आएगी। जो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अभिभावकगण, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप भी और आपका बच्चा एक पुस्तक को जरूर, जो माई बुक माई फ्रेंड जो हम लोगों ने अभियान दिया है, कि वो वर्ष में कम से कम 4 पुस्तकें ऐसे पढ़े, और ये तो वो कौन सा ऐसा मित्र आपने चुना है। आई रिक्वेस्ट टू CBSE कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लीनियंट चेकिंग करके पास किया जाए, और अगर आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लिखिए SKDH, और वीडियो को लाइक करके लिखिए LKDH। लीनियंट चेकिंग बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। लीनियंट चेकिंग बहुत जरूरी है। कैसा लगा जब आप पढ़ेंगे उसको, सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और लिखिए SKDH एंड LKDH। कैसा लगा वो हमेशा आपके साथ रहने वाला मित्र, आपकी प्रगति में अहर्निश साथ में चलने वाला मित्र वो कौन सा है, ये जरूर इस अभियान को आप आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर मैं अपने सभी अभिभावकगण का आभार प्रकट करता हूँ, और जब भी स्कूल खुलेंगे हमारे लिए बच्चे जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, तब हम फिर
आपके बीच आएंगे। यदि इस बीच फिर जरूरत पड़ी या हमने आपके साथ आना है तो हम लगातार बात भी करेंगे, लेकिन मैं छात्र हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि जल्दी मैं आपसे मिलूंगा, जल्दी आपसे बात करूंगा। आप अपने माता पिता के साथ, अपने दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, भाई बहन सबके साथ इस समय बहुत अच्छा संवाद रखिए और उसको जरूर अपने संस्मरणों में लिखिए, क्योंकि 100 साल बाद आने वाली ये जो महामारी है जो 1918 में आई थी, आप सबको मालूम है कि पूरी दुनिया में वो महामारी आई थी जिसमें 5 करोड़ से भी अधिक लोगों की जाने गई थी, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उस समय हिंदुस्तान के 2 करोड़ लोगों की जाने गई थी, और वो 100 साल के बाद फिर ये जो महामारी आई है उस महामारी का हमको मुकाबला करना। हमको भरोसा है कि हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमारे एक ऐसा संरक्षक है जिसमें ताकत है, जिसमें विजन है, और इस महायुद्ध का मुकाबला करने का उनमें पूरी तरीके से ताकत ही नहीं है, उन्होंने दुनिया को दिखा भी दिया है। और इसलिए मैं छात्रों आपसे फिर निवेदन करूँगा कि अपनी सफाई पर ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और SKDH लिख दें ताकि मैं इसमें आपका सपोर्ट कर पाऊं, और वीडियो को लाइक करके लिखिए LKDH और चैनल को सब्सक्राइब करके लिखिए SKDH। हाथ जोड़कर आपसे सपोर्ट मांग रहा हूं आप ही के लिए। नमस्कार सभी अभिभावक बंधुओं को मैं अभिनंदन करता हूँ, और जैसे कि हमने